हेलो दोस्तों दोस्तों जीके के क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो बने रहिए दोस्तों इस जीके की वीडियो के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ओमान की लेखिका जोखा अलार्थी ने सेलेस्टियल बॉडीज के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है दोस्तों ओमान की जो लेखिका है जोखा अलार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो 22 मई को मनाया गया दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस। और इस बार का विषय क्या था दोस्तों, तो विषय है हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन और हमारा स्वास्थ्य, इसका विषय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में किसे फिर से देश का राष्ट्रपति चुना है। तो जोको विडोडो को चुना है इंडोनेशिया का पुनः राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चौथे प्रयास में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकन महिला बन गई है। तो सराय खुमेलो बन गई है जिन्होंने अपने चौथे प्रयास में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के PSLV C-46 ने कितने मई को RISAT-2B उपग्रह पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो 22 मई को किया दोस्तों PSLV C-46 ने, जो उपग्रह है उसका नाम है RISAT-2B, उस पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगर दोस्तों आज का जीके का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।